हेलो दोस्तों, राजस्थान में जल्द ही सूचना सहायक के कुछ पोस्ट निकलने वाली हैं। तो कितनी पोस्ट होंगी और कौन कौन सी पोस्ट होंगी उसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में कनिष्ठ सहायक की 294 पोस्ट होंगी और सूचना सहायक की 294 पोस्ट होंगी। तो कुल मिलाकर के 588 पदों की संख्या होने वाली है। कब निकलेगी वैकेंसी, क्या क्या सिलेबस होगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूचना सहायक रिक्वायरमेंट 2021 की एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो क्षमता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के सिद्धांत, यानी कि कुल नंबर होंगे 100 और अवधि होगी 3 घंटे की। ये तो होगा पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट टू के अंदर फिर होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी होगी 15 मिनट की और इंग्लिश में भी अपने को टाइपिंग करनी पड़ेगी 15 मिनट की। उसके बाद में बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस तो अभी मैंने आपको बताया है, योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के कुछ मूल सिद्धांत सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में टाइपिंग तो होने ही वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं सूचना सहायक भर्ती 2021 के एज लिमिट के लेकर के। एज लिमिट है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2021 के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1 अक्टूबर को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके आगे बात कर लेते हैं राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2021 की एप्लीकेशन फीस को लेकर के। तो राजस्थान सूचना सहायक सूचना सहायक रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी होने वाली है। 2021 के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 400, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 व अन्य कैटेगरी के लिए 250। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस किसी अधिक जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दी जाएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका अभी आया नहीं है। इसके आगे बात कर लेते हैं सूचना सहायक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2021 के लिए राजस्थान या फिर किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्ट किसी भी एक सब्जेक्ट में डिग्री होना अति आवश्यक है। डिग्री या डिप्लोमा, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लगा करके। अगली बात कर लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव द डिग्री विथ द डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बात तो वही आ गई जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैंडिडेट एल्स ऑफ द नॉलेज एंड द टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव ऑल्सो नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि एंड संस्कृति ऑफ राजस्थान। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती का सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती है। इसके नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो RSMSSB जारी करेगा। तो समय समय पे आप RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के नोटिफिकेशन को विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बता देंगे। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।